क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई राजा शांति की खोज में साधु बन गया हो? आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही राजा के बारे में। आप गौतम बुद्ध को भगवान की तरह देखते हो या फिर एक साधु की तरह? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन लोग इन्हें भगवान विष्णु का स्वरूप मानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। इनका जन्म राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर हुआ। इनकी मां के निधन के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को बहुत बड़ा राजा बनाना चाहते थे, लेकिन उनके नामकरण के वक्त यह भविष्यवाणी हुई थी कि या तो वो बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर बहुत बड़े भिक्षुक। इस भविष्यवाणी ने राजा शुद्धोधन को डरा दिया और उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को सभी सांसारिक दुख से दूर रखने के लिए उन्हें राजमहल के ही अंदर रखा। 16 साल की उम्र में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से करवा दिया गया। जब वह पहली बार महल से बाहर निकले और उन्होंने दुख, कष्ट, मृत्यु जैसे सांसारिक दुखों को देखा, तो उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध एक रात महल छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ने लगे और यहीं से शुरू होती है सिद्धार्थ गौतम की गौतम बुद्ध बनने की यात्रा। समाधि की 8 अवस्थाओं को गौतम ने प्राप्त कर लिया था, लेकिन फिर भी वो ये जानते थे कि ये जीवन की संपूर्णता नहीं है। उनके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उन्होंने समाना का मार्ग चुना। वो उस दिशा में नहीं जाते थे जहां भोजन मिलने की संभावना हो, वो बस सीधा चलते थे। एक दिन वो निरंजना नदी के तट पर जा पहुँचे, जो 2 फुट गहरी एक धारा थी। उन्होंने धारा को पार करने की कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते में वो नदी पार करने से असमर्थ हो गए। वहाँ एक पेड़ की टूटी हुई टहनी थी, जिसे उन्होंने पकड़ लिया। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वह आत्मज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसे अपने साथ घटित नहीं होने दे रहे हैं। बुद्ध जाकर बोधि वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और ठान लेते हैं, या तो मैं आत्मज्ञान को प्राप्त कर लूँगा, नहीं तो यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा, और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।